आइए बाबा के दरबार में इस भजन को सुनिएगा कि इंसान जिंदगी भर कमाता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उम्र बीत जाती है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ बच्चे अपने माँ बाप की किस तरह से देख रेख करते हैं और कुछ बच्चे अपने माँ बाप की किस तरह से नाकदरी करते हैं। आइए सुनिएगा, इस दुनिया में इंसान आया है, जन्म लिया है तो एक दिन उसे जाना भी है, लेकिन किस तरह आया है और किस तरह जाना है, आइए सुनिएगा इस भजन में। कि क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है, जिसने शैदा कुल जहां, बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। आदमी का जिस्म क्या है, जिसने शैदा कुल जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां और चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याले आशिया, अरे मौत की पुलजोर आंधी जिस समय टकराएगी, खाक की ये सुंदर इमारत खाक में मिल जाएगी। कि क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, अरे खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ Thank you.
इसलिए नहीं देता है, जो अपने लिए जीता है वो इंसान नहीं, जो दूसरों के लिए जीता है वो इंसान है। क्यों? तूने सबके जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हें जलाएगा, जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हें जलाएगा। एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, मुझे जरा डॉक्टर के पास ले चलो। बेटा कहने लगा मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरे बेटे ने भी इनकार कर दिया, तीसरे ने भी इनकार कर दिया। किसके लिए कमाया? अपने बच्चों के लिए। लेकिन वही बच्चे कहते हैं बेटी जो साथ देगी तो सिर्फ कन्यादान तक, इसके आगे बेटी का अधिकार खत्म हो जाता है। बेटी जो साथ देगी तो सिर्फ कन्यादान तक, बेटा जो साथ देगा तो सिर्फ अग्निदान तक, और तेरे यार दोस्त साथ देंगे केवल शमशान तक, और पत्नी जो साथ देगी तो केवल भगवान तक, इसके आगे नहीं जा सकती। इसलिए कहना है ये सुशील कहता है। क्या कहता है? बात मरने के तेरे, बात मरने के तेरे कोई रच न पाएगा, बात मरने के तेरे कोई रच न पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।